हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको 28 दिसंबर की विद्यार्थी जीवन संबंधित जो भी खबरें हैं उसको डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी आज की महत्वपूर्ण खबर है। तो देखिए, सबसे पहली खबर है कि UP SSSC JEE 2016 ASO रिजल्ट अपडेट। देखिए, UP SSSC 2016 JEE का रिजल्ट जो है आपको 15 से 20 जनवरी के बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो है लोअर का रिजल्ट आ गया है, UDA LDA सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट आ गया है। अब अगला जो रिजल्ट UP SSSC से आएगा वह जूनियर इंजीनियर 2016 का आएगा। पहले बात ये चल रही थी कि ASO का रिजल्ट को पहले दिया जाए, लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी लगातार अनवरत धरना इको पार्क में कर रहे हैं, उसको देखते हुए आयोग पर दबाव बन गया है। अब आयोग जो है UP SSSC JEE का रिजल्ट सबसे पहले देगा, उसके बाद जो है UP SSSC के रिजल्ट के बाद जो है JEE के रिजल्ट के बाद ASO का रिजल्ट आएगा, इसी के बीच में आपका PET 2022 का भी रिजल्ट आ जाएगा। इन दो तीन रिजल्ट के बाद अगर टाइम मिलता है तो लेखपाल के रिजल्ट पर कुछ कार्रवाई हो सकती है, नहीं तो लेखपाल का जो रिजल्ट है वह आपको फरवरी महीने में देखने को मिलेगा। अब आगे बात करते हैं RRB Group D रिजल्ट। देखिए, RRB Group D के सभी जोनों का रिजल्ट आ गया है और PST की डेट यानी फिजिकल की डेट भी शुरू हो गई है, डेट भी आ गई है, उसकी नोटिस भी आ गई है कि कब से फिजिकल होगा। संभवतः 10 तारीख के बाद फिजिकल सभी जोन के शुरू हो जाएंगे। कई कई जोन के तो आ गए हैं जिसमें 13 तारीख से किसी का शुरू है, किसी का 12 तारीख से शुरू है फिजिकल। और आज जो है इसका एडमिट जो स्कोर कार्ड है वो भी आ गया है कि किसका कितना नंबर बढ़ा हुआ है, कितना नंबर है, यानी ये सब जो जानकारी है ग्रुप डी के बारे में अपडेट की गई है। अब आगे बात करते हैं कि DRDO लिपिक एग्ज़ाम डेट। देखिए, DRDO लिपिक की जो वैकेंसी थी उसके एग्ज़ाम को घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ JEE का जो एग्ज़ाम था CBT 2 यानी जो दूसरा सेकेंड एग्ज़ाम था उसके एग्ज़ाम की भी डेट घोषित कर दी गई है। अब आगे बात करते हैं कि आगरा छावनी परिषद में JEE की भर्ती का विज्ञापन। देखिए, आगरा कंटेनमेंट बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। जिस भी अभ्यर्थी को JEE की फॉर्म का फिलअप करना हो छावनी परिषद में, वह आगरा छावनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म को विज्ञापन को देख करके योग्यता अनुसार फॉर्म को भर सकता है। अब बात करते हैं UPSC RO AR भर्ती का विज्ञापन जल्द। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अब जल्द ही एक कैलेंडर जारी होगा 2023 के लिए, उसके बाद ही आपको RO AR की भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि अभी तक RO AR 2021 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके 2-4 दिन के अंदर में आपको RO AR 2022 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब कुछ और बातें करते हैं। देखिए कि सिक्करक 28 या 29 दिसंबर को होगी CET की परीक्षा, और ये देखिए एक वैकेंसी आई हुई है, क्षेत्रीय ज्ञानार्जन संस्थान विंध्याचल में अप्रेंटिस है। विभिन्न प्रकार की रिक्तियां इसमें है, फिटर, टर्नर, इंस्ट्रूमेंटेशन, वेल्डर, मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, सिविल की भी 6 पोस्ट की अप्रेंटिस इसमें कराई जा रही है। और उसके अलावा ये देखिए एक वैकेंसी आई है CRPF में, कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की और स्टोनो की, जिसमें आपको सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टोनो के 143 पोस्ट हैं और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 1315 पद पर विज्ञापन जारी किया गया है। अब देखिए कि बिहार में जो 10,101 अमीन की बहाली हुई थी उसके विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। अब जो है इसके पहले इसको मेरिट पे भर्ती कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब इसके विज्ञापन को रद्द करके अब लिखित परीक्षा के आधार पर इस भर्ती को पूरा किया जाएगा, फिर से विज्ञापन निकाला जाएगा और उसके बाद में परीक्षा संपन्न करा करके नियुक्ति दी जाएगी। अब आगे बात करते हैं, ये देखिए कि सिक्योरिटी एंड प्रिंटिंग में मेंटेनिंग टेक्नोलॉजी में सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 1 पद और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 3 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अलावा डिप्टी मैनेजर के 2 पद, डिप्टी मैनेजर IT के 2 पद, डिप्टी मैनेजर IT डेवलपर के 1 पद, डिप्टी मैनेजर के 1 पदों पर विज्ञापन जो जारी किया गया है। इसके अलावा SGBN में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के पद का विज्ञापन जारी किया गया, फिटर के लिए और वेल्डर के लिए कुल जो है 70 पद का विज्ञापन जारी